सब लोगों की इतनी बारी प्रेजेंस को देखते हुए हम आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुद्दा बहुत ही अहम और इम्पॉर्टेंट इस नज़रिए से है कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की सरकार माननीय एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की जो इस टाइम पे क़यादत है जम्मू कश्मीर में, पावर एम्प्लॉयज़ और इंजीनियर्स को हाशिए पे धकेला जा रहा है। जिस तरीके से हमारे मसले और मसाइल आवर इश्यूज़ हैव बीन लेफ्ट अनएड्रेस्ड सिंस लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, वी हैव बीन ट्राइंग टू कन्वे टू द एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू ऑल डेमोक्रेटिक मीन्स दैट आवर मैनेजिंग डायरेक्टर्स, चीफ इंजीनियर्स, सिटिंग सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर्स, एक्सीएंस आर ऑल असिस्टेंट इंजीनियर्स टू द पोस्ट दे वेर इनिशियली अपॉइंटेड टू। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही जम्मू कश्मीर ऐसा प्रांत है जो अब यूनियन टेरिटरी बन चुका है, जिसमें कि आपको चीफ इंजीनियर भी आज भी असिस्टेंट इंजीनियर के ग्रेड में जिसमें वो अपॉइंट हुए थे वही सैलरी भी और उनकी जो है ऑफिशियल सब्सटेंटिव कैपेसिटी में वही वहीं पे है। मैं याद दिलाना चाहता हूँ, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने 2019 अक्टूबर में ये डिसीजन लिया था कि दो महीने के अंदर अंदर रेगुलराइजेशन प्रोसेस ऑफ इंजीनियर्स विल बी कंप्लीटेड, और उसको जो है अभी दो साल हो गए, दो साल तक ये प्रपोजल बनता रहा। अब जब पेश हुआ एस्टेब्लिशमेंट कमिटी में तो उसको भी वहाँ से ऑब्जर्वेशंस के साथ वापस भेजा के, हमारे जो रिटायर्ड इंजीनियर्स 2001 से 2018 तक हैं उन सबको अब फ्रेश विजिलेंस क्लियरेंस के लिए मजबूर किया जा रहा है। जबकि जब भी कोई सब्सटेंटिव ऑफिशिएटिंग कैपेसिटी में कोई भी प्रमोशन की गई उस सब में विजिलेंस क्लियरेंस ली जाती है, आप सबको पता है। दूसरा अहम मुद्दा आज की डेट में जो हमारे जो सस्पेंडेड और अटैच्ड फील्ड ऑफिशियल्स और इंजीनियर्स हैं उनको लेके सरकार ने हमें 15 दिन का टाइम जो है मांगा था। वर्क बायकॉट का जो हमारा नोटिस था 29 जुलाई का, अभी एक महीना से ऊपर टाइम हो गया है और अभी तक उनकी जो है रीइंस्टेटमेंट नहीं हो रही। हमारे जूनियर इंजीनियर्स आज भी 30 रुपये जो है मंथली बेसिस पे जो उनको फिक्स ट्रैवल अलाउंस दिया जाता है उसके लिए सरकार ने कोई भी कारगर कदम नहीं लिया, उसकी एनहांसमेंट को लेकर सरकार इंडिफरेंट है। दूसरा मैं बताना चाहता हूँ, आज की डेट में हमारे जो डेली वेजर्स हैं जिनकी रेगुलराइजेशन की डीपीसीज डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमिटी जो SRO 381 के तहत जो सारा प्रोसीजर होना था वो सब कंप्लीट होके पिछले दो साल से ऐसी दो रेगुलराइजेशन जो है रुकी पड़ी हुई। क्या कसूर है उस डेली वेजर का जो 2700 रुपये में बाहर पोल पे काम कर रहा है और उससे हम उम्मीद कर रहे हैं वो चोरी भी रोकेगा, बिजली भी चलाएगा, 24/7 365 दिन काम भी करता रहेगा और उफ तक नहीं करेगा। हमारा फर्ज बनता है बीइंग इंजीनियर्स, बीइंग एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी, उन सब की आवाज़ जो है बनके हमने गवर्नमेंट को बार बार इस चीज़ के ऊपर सेंसिटाइज किया। दूसरा, मैं आपके माध्यम से एक और अहम मुद्दा, हमारे टेक्नीशियन जो 1998 के अपॉइंटेड है उनकी आज तक एक भी डीपीसी नहीं हुई। 21 साल गवर्नमेंट बार बार कमिटीज बनाती है, रिक्रूटमेंट रूल्स बनाए जाएं, डीपीसीज को टाइम बाउंड किया जाए। अभी कमिटी ऑफ सेक्रेटरीज ने कहा था कि डीपीसी जो है विद इन वन मंथ जो है सारे डिपार्टमेंट्स में की जाएंगी और ऑर्डर्स इशू किए जाएंगे। सिर्फ कमिटी पे कमिटी, कमिटी पे कमिटी बनाई जाती है। आज भी जो हमारा पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जिसको कॉरपोरेशन में डिवाइड करके उसको तकसीम करके आज उसके इतने हिस्से किए गए हैं, उन सभी कॉरपोरेशन पे कोई भी रिफॉर्म जो है एम्प्लॉयज के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी नहीं किया जा रहा। अभी हम सब इस मामले में इंजीनियर्स डे 15 सितंबर जो पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है उसको, उस दिन हम काले बैजेस पहन के सारे एम्प्लॉयज पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर जो है उस दिन प्रोटेस्ट करेंगे, काले बैजेस वेयर करेंगे अगेंस्ट द कंटिन्यूअस इनसेंसिटिव कोल्ड शोल्डर अप्रोच ऑफ द यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन। डेमोक्रेटिक मीन्स में जो भी अवेलेबल ऑप्शंस हैं हम वो यूज करेंगे और आने वाली 2 तारीख को, 2 अक्टूबर को, जिस दिन गांधी जी के प्रिंसिपल्स पे चलते हुए किसी भी तरह से किसी को परेशानी में ना डालते हुए अपने सिद्धांत को मजबूत करने के लिए, अपने निश्चय को मजबूत करने के लिए और इस फाइट को आगे बढ़ाते हुए 2 तारीख को जो है हमारा एक मार्च भी होगा जो जम्मू के प्रेस क्लब से होते हुए सतवारी चौक तक गांधी चौक पे वो कल्नेट होगा। पूरे कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने के लिए उसमें जो है सारे कदम उठाए जाएंगे। मैं सरकार को फिर भी यहां से एक बारी फिर से अपील करता हूं
कि जो हमने इश्यूज पॉइंट आउट किए हैं टाइम टू टाइम उनको सेंसिटिव तरीके से लिया जाए। आप देख रहे हैं जो एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन, गैजेटेड पुलिस पर्सनल्स, गैजेटेड केएस एंड आईएएस ऑफिसर्स को अवेलेबल है, वो सेम एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन का हमारे कैबिनेट ने 2018 में अप्रूवल देके भी उसका एसआरओ जो है इंजीनियर्स के फेवर में रिलीज नहीं किया गया। हमारे डेली वेजेस आज भी दुखी हैं, हमारे जो एम्प्लॉयज हैं वो सब इस टाइम पे बहुत दुखी हैं। फिर भी हमने जो है पावर सप्लाई में कोई भी किस्म की बाधा आने नहीं दी। आपने देखा लास्ट कुछ सालों से पावर सिनेरियो भी काफ़ी इंप्रूव हुआ है, इसके पीछे जो है बहुत ही कड़ी मशक्कत। 400 जूनियर इंजीनियर्स की वैकेंसीज अभी भी पावर डेवलपमेंट में खाली है। एक जूनियर इंजीनियर जो है 5-5 फीडर चला रहा है 24 घंटा। आप बताइए, आपके पास एक जूनियर इंजीनियर का नंबर है जिसको आप 24 घंटा कभी भी फोन कीजिए, बिकॉज उसके पास कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, उसको 8 घंटे की शिफ्ट नहीं है, लेकिन उसको 30 रुपए पूरे महीने में फिक्स ट्रेवल अलाउंस दिया जाता है कि वो पूरे फील्ड की निगरानी भी करे, पावर भी चलाए और डेली वेजर का भी ध्यान रखे। ये कैसी हुकूमत इस टाइम पे इतनी इंसेंसिटिव होकर पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के इश्यूज को लेकर चल रही है? हमारी यहां से दरख्वास्त है कि जो लोग अटैच और सस्पेंड किए गए हैं उनको जो है तुरंत बहाल किया जाए। हमारे जो लोग हैं इस टाइम पे काफी आक्रोश में हैं और मैं आप सबके माध्यम से ये अपील एलजी साहब तक पहुंचाना चाहता हूं कि कृपया करके पावर एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी को मिलने का मौका दीजिए। पिछले एक साल से हम मिलने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार अपॉइंटमेंट की लेटर्स जाती हैं लेकिन हमें अपॉइंटमेंट भी नहीं दिया जाता है। इतना अहम मुद्दा जो है, इतना अहम डिपार्टमेंट जो है इस टाइम पे बहुत डिप्राइव फील कर रहा है। इसी के साथ मैं आप सब लोगों का शुक्रिया करता हूं कि आप सब लोग हमें कवर करने के लिए अपना कीमती समय आपने निकाला। थैंक यू।